देख रहे हैं पगरपुर की आवाज चैनल, चलते हैं खबरों की तरफ। जनपद श्रावस्ती के बिंदा विधायक असलम रानी ने जाना पीड़ित परिवार का हाल न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। विधायक ने कहा कि बलात्कार करने वाले को होनी चाहिए फांसी एवं लगना चाहिए एनएसए। विधायक ने कहा कि बलात्कार करने वाले व्यक्ति पर एनएसए लगाने की मांग अधिकारियों से करते हुए त्वरित चार्जशीट लगाने की भी मैं मांग करूंगा, जिससे पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। वही जिला प्रशासन श्रावस्ती का कार्य सराहनीय है, जिन्होंने आरोपी को तत्काल 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके उसको जेल रवाना कर दिया है। वही विधायक प्रतिनिधि आतिफ असलम ने पतिजिया गांव का दौरा किया, पीड़ित के घर जाकर परिवार वालों का हाल चाल जाना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। विधायक ने कहा कि मैं आज ही लखनऊ रवाना हो रहा हूं, वहां पहुंचकर मेडिकल कॉलेज जाऊंगा, सीएमएस और पीड़िता से मुलाकात करूंगा, उसके समुचित इलाज की व्यवस्था भी कराऊंगा। भिंगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 9 वर्षीय बच्ची सोमवार शाम खेत में लकड़ी बीनने के लिए गई थी, वहां से लौट रही थी। रास्ते में घात लगाए बैठे गांव के एक युवक ने दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। हालात गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए रेफर कर दिया है, जहां बच्ची का इलाज चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर गाँव में पीएससी व पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मैनपुरी 91 200 260 270 28। आपके सहयोग से हम इसको लिखे मैंने, आपके इंस्पेक्टर भिंगा भी और मेरी कप्तान साहब से बात हुई, अभी मैं डीएम साहब से बात करूंगा। हर हालत में एनएसए लगेगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसका डिसीजन 2 महीने के अंदर होना चाहिए, जिससे कि यहाँ की पतिज्ञा की जनता को इस बात को लगे कि यहाँ पर अगर कोई अन्याय किसी भी परिवार के साथ करेगा, चाहे वो किसी भी समाज के साथ करे, उसको 2 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट से जब उसको न्याय मिल जाएगा और उसको फांसी की सजा हो जाएगी, तो यहाँ पतिज्ञा और चालवा पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग ये जागरूक होंगे, समझेंगे और ऐसी दोबारा कोई घटना नहीं होने देंगे। सर, मैं आपको आश्वस्त करता हूं मौके पर कि मैं जिस तरह से इसमें त्वरित कार्रवाई अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में मैंने भी किया है और पुलिस जो कर रही है, इस पर इतनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि ये एक मिसाल कायम होगी इस जनपद के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अभी हमारे इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है और हमारी कप्तान साहब से भी बात होगी, पूरा सीरियस है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सीरियस है। अब इनको जो इन्होंने मुलजिम अक्सर मुलजिम भाग जाता है, इन्होंने मुलजिम को कई मतलब चंद घंटों के अंदर गिरफ्तार करके और उसको बहुत ही हीनियस क्राइम की धारा जो होती है, जो संबंधित धारा होती है, उसमें लगाया है और एनएसए की कार्रवाई चल रही है। मैं पूरे भिंगा कोतवाली के लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं और ये मैं चाहूंगा कि ये त्वरित कार्रवाई करके उसको फांसी की सजा देना। आइए चलें गाड़े लगा। आज ये ग्राम पतिझिया, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र 289 भिंगा में ग्राम, ये विकास खंड हरिहरपुर रानी के ग्राम पतिझिया गांव में अभी 2 दिन पहले जो घटना हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है। 8 साल बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो हैं पुलिस के छोटे कर्मचारी, जिसको मैंने कप्तान साहब से भी कहा था कि बीट के जो चार्ज होते हैं, इंचार्ज जो बीट के सिपाही होते हैं, बीट के दरोगा होते हैं, ये कई कई साल तक वहां जमे रहते हैं।
ये तो कप्तान साहब की और हमारे इंस्पेक्टर भिंगा की ये इतनी त्वरित कार्रवाई थी जो उन्होंने मुलजिम को तुरंत पकड़ लिया और कस्टडी में लेकर के उसके ऊपर धारा लगाया है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के सभी रेपिस्ट के ऊपर NSA लगा हुआ है, इसके ऊपर भी NSA लगना चाहिए और जितना मुआवजा अलीगढ़ और कहीं भी रेपिस्ट के परिवार को मिला है वही मुआवजा हमारे ग्राम पतिजिया में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वो मुआवजा हमारे पतिजिया ग्राम में हमारे विधानसभा 289 भिंगा में इसको तुरंत कार्रवाई कराएं और उसका मुआवजा गरीब परिवार को दें। बहुत ही गरीब परिवार है, अगर आप देखें तो इनके यहाँ झोपड़ी भी नहीं है, ये देख लीजिए जरा सा भी इनके यहाँ कुछ नहीं है। और ऐसी स्थिति में मैं पूरी मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पर मुआवजा तुरंत दें और NSA लगवाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करें जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो और आइंदा ऐसी कोई घटना हमारे विधानसभा में ना हो। मैं इतना जरूर कप्तान साहब से कहूंगा कि इनके ऊपर भी वो NSA लगाएं। और मेडिकल कॉलेज के CMS से मेरी वार्ता हुई है, मैं आज ही रात में मैं उस बच्ची को देखने जरूर जाऊंगा ट्रामा सेंटर में, फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से कल मिलूंगा। सब्सक्राइब करें फखरापुर की आवाज़ चैनल को और पाए हर शहर की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर।